हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये वीडियो है आपका पार्ट नंबर 12। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। तो देखेंगे सबसे पहले आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक रहता है। तो स्टमक में भोजन कितने घंटे तक रहता है? ऑप्शन 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे और 3 घंटे। तो आमाशय में भोजन रहता है लगभग 4 घंटे, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। आमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है। और नेक्स्ट है आपका, वैन का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस वाइड एरिया नेटवर्क, बी होल एरिया नेटवर्क, सी वाइड आल नेटवर्क एंड डी वार एरिया नेटवर्क। तो इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि ए ऑप्शन। और इसमें एक दूसरी टर्मिनोलॉजी है लैन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या होता है, जब हमें सीमित दूरी पे या किसी ऑफिस में ही कंप्यूटर्स को जो नेटवर्किंग करी जाती है, कनेक्ट किया जाता है, तो वो लैन के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि एक सिटी में जो कनेक्ट कंप्यूटर का जो नेटवर्किंग होती है उसको क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, तो लैन और वैन क्या होगा, कंप्यूटर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कृत्रिम रबड़ कौन सी है? ऑप्शन नियोप्रिन और थाइकॉल, बाइकेलाइट और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो कृत्रिम रबड़ है वो आपकी थाइकॉल एंड बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, सबसे भारी धातु कौन सी है? ऑप्शंस ओस्मियम, बी लिथियम, सी कार्नोटाइट और डी टंगस्टन। ओके, तो इसमें सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ओके, ये ऑप्शन इज राइट, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन है पोटेशियम, बी सोडियम और सी फास्फोरस, डी है उपरोक्त सभी। तो कौन सी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ये आपकी है सोडियम। ओके, सोडियम को क्या है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और सोडियम क्या है, सोडियम अगर जब पानी के संपर्क में आती है तो क्या होती है, वो जलती है और जलने लगती है पानी के संपर्क में आने पर, यानी कि पानी के संपर्क में आने पर ये ज्वलनशील हो जाती है सोडियम मेटल। एंड नेक्स्ट हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस 5 दिसंबर, बी 3 दिसंबर, सी 2 दिसंबर और डी 1 दिसंबर। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। एंड नेक्स्ट हमारा है, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी? पेनिसिलिन क्या है, एक टाइप्स का एंटीबायोटिक है और इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट हुक, एडवर्ड जेनर और जेड जॉनसन ने। तो पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ए ऑप्शन इज राइट। एंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा, पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन था? ऑप्शन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी पंजाब नेशनल बैंक एंड सी इंपीरियल बैंक और डी स्टेट बैंक ऑफ जयपुर। तो पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, बी ऑप्शन इज राइट, PNB, पंजाब नेशनल बैंक। एंड नेक्स्ट है हमारा, देवताल झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड। तो देवताल झील कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में। और उत्तराखंड क्या था, उत्तराखंड पहले हमारे उत्तर प्रदेश का ही, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को विभाजित करके ही अलग स्टेट को बनाया गया। ओके, और ये कब बनाया गया था, ये 9 नवंबर 2000 को
इसको इसका विभाजन हुआ था और एक अलग स्टेट बनाया गया था, जिसमें क्या है मोस्टली पूरा जो एरिया है वो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, और इसकी राजधानी है देहरादून। ओके, नेक्स्ट हमारा है नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शंस भाग दो, भाग एक, भाग पाँच और भाग छः। तो नागरिकता का उल्लेख किसमें किया गया है, सिटीजनशिप का उल्लेख किसमें किया गया है, ये आपका है भाग दो। ओके, एंड ये ऑप्शन इज राइट, भाग दो में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हमारा है सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है आपका हरियाणा। यहाँ पे लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के बारे में बात करी जा रही, ये क्या है लिंगानुपात, क्या होता है सेक्स रेशियो, इसमें होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेक्स रेशियो, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे हरियाणा में महिलाओं की संख्या सबसे कम है। ओके, तो यहाँ का जो लिंगानुपात है वो सबसे कम है। ओके, और यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा पानीपत से। ओके, पानीपत से बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ अभियान की शुरुआत करी गई थी, और इस अभियान का उद्देश्य था कि बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाना और उनका जो सेक्स रेशियो है उसको उसको बढ़ाना, यानी प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या भी बराबर होनी चाहिए। और अगर हम बात करें सबसे अच्छा लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो वह केरला का। ओके, यानी केरला में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ का सेक्स रेशियो सबसे अच्छा है। ओके, तो ये हो गई आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट हमारा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शंस पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल और मध्य प्रदेश। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका बिहार। ओके, बिहार, बिहार क्या है, इसका जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, और उसके पश्चात जो है उसका पश्चिम बंगाल, उसके बाद केरल, इसके बाद उत्तर प्रदेश। यानी सबसे जनसंख्या घनत्व बिहार और उससे कम पश्चिम बंगाल, और उससे कम केरल, और उससे कम उत्तर प्रदेश। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार का। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है, ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी, इसमें क्या होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो क्या होता है, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ओके, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार में, यानी यहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शंस रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है लाल ग्रह, ये आपका ऑप्शंस बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो लाल ग्रह क्या कहा जाता है, मंगल को, यानी कि इसको इंग्लिश में बोलेंगे मार्स। ओके, मार्स को मंगल बोलेंगे। ओके, और अगर हम बुध की बात करें तो इसे मरकरी कहते हैं, और शुक्र की बात करें इसे वीनस कहते हैं, और बृहस्पति को जुपिटर कहते हैं। बृहस्पति क्या है, जुपिटर है, अपने जो सौरमंडल है उसका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और मंगल क्या है, मंगल हमारा लाल ग्रह है। नेक्स्ट हमारा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शंस बंकिम चंद चटर्जी, बी जयप्रकाश नारायण, और सी विनोबा भावे, और डी महात्मा गांधी। तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट हमारा है चौरी चौरा कांड कब हुआ था। ऑप्शंस 5 फरवरी 1922, 28 मई 1920, सी 25 मई 1920, 3 फरवरी 1928। यानी चौरी चौरा कांड हुआ था कब हुआ था, ये हुआ था 5 फरवरी 1922, और ये चौरी चौरा कांड का संबंध है असहयोग आंदोलन से। आप महात्मा गांधी जी ने क्या है स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए असहयोग आंदोलन शुरुआत किया था। ठीक है, जिसमें उनका उद्देश्य था अंग्रेजों का पूरी तरह से असहयोग करना। और 5 फरवरी 1922 को ये घटना हुई, तो चौरी चौरा, इसमें जिसकी वजह से महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग मारे गए थे। ओके,
तो इसकी वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, और ये कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 में। और चौरी चारा कांड कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका गोरखपुर में। ओके, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। नेक्स्ट हमारा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस, दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल हरि देशमुख, ए राजा राम मोहन राय, और बी ज्योतिबा फुले। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा फुले ने, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, यानी कि भारत का पितामह कहा जाता है। और गोपाल हर देशमुख को क्या कहा जाता है? इनका उपनाम है लोकहितवादी। और राजा राम मोहन राय क्या थे? हमारे भारत के एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, और इन्होंने क्या किया, बहुत सारी समाज में जो कुरीतियाँ और बुराइयाँ फैली थी उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। और एक तरीके से ये कहना चाहिए कि इन्हें भारत के आधुनिक, जो आधुनिक भारत का पिता कहना चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक मॉडर्न एजुकेशन और समाज में जो आधुनिक सोच है उनको लाने का प्रयास किया था। और नेक्स्ट हमारा है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? ऑप्शंस, 1907, 1908, 1910 और 1915। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1907 में, ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट हमारा है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, ऋषभ देव, महात्मा बुद्ध और पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभ देव, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। नेक्स्ट हमारा है, वियतनाम देश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शंस, मनामा, बी बेरूत, सी हनोई और बैंकॉक। तो वियतनाम देश की राजधानी है हनोई, सी ऑप्शन इज राइट। ओके, तो फ्रेंड्स ये रहे आपके टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके इन वीडियोस का, जो कि आपके होने वाले जो आपका एग्ज़ाम्स होगा या जब वैकेंसी आएंगी UPSSC से, तो इसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।